मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही खास है, इसे ध्यान से सुनना। कभी भी किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी मत करना। यदि तुम सबूरी रखोगे तो मन चाहा सब कुछ मिलेगा और समय पर मिलेगा, लेकिन धैर्य नहीं रखा तो कुछ नहीं पा सकोगे। तुम्हारे सपने सच होने जा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखो, कहाँ थे तुम और अब कितना आगे आ गए हो। अपने घर परिवार वालों की चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद सब पर है। कभी कभी तुम कुछ ऐसा मांग लेते हो मुझसे जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो तुम ही बताओ वो मैं तुम्हें कैसे दे दूं। बच्चे, लेकिन एक बात जान लो और मान लो, मेरे रहते तुम्हारा जीवन बहुत ही सुंदर होगा। जीवन में ऊंचाइयों का आनंद लेने के लिए जीवन के उतार चढ़ाव को भी चढ़ना पड़ता है, तभी ऊंचाइयों का महत्व पता चलता है। मेरे आशीर्वाद से जल्द तुम अपने काम में शोहरत पाओगे और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें बहुत सारा। मेरे बच्चे, तुम जो इतनी प्रार्थना करते हो मेरे समक्ष, मैं सब सुनता हूँ। कुछ प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं तुरंत, लेकिन कुछ स्वीकार होने में देर लगती है, क्योंकि समय जब तुम्हारे लिए अनुकूल होता है तभी मैं वो स्वीकार करता हूँ। और कुछ प्रार्थनाएं अस्वीकार होती हैं, तब तुम दुखी न हुआ करो। एक बात समझ लो कि जब भी कुछ अस्वीकार होता है मेरी ओर से, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाला हूँ। विश्वास इतना रखो मुझ पर कि मेरे हर फैसले में तुम मुस्कुराते हुए कहो, मुझे साईं, अर्जी मेरी और मर्जी तेरी, सब मुझे मंजूर है। इस तरह का समर्पण रखोगे तो सब अच्छा ही होगा। बच्चे, मेरे कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि शिरडी जाने के बाद उनके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बच्चे, शिरडी की मिट्टी पर जो कदम रखता है वह मेरी मर्जी से रखता है और मैं ही उसे वहां बुलाता हूँ, और वहां बुलाकर मैं तुम्हारे कर्म काटता चला जाता हूँ। इसलिए तुम शिरडी आओगे तो तुम्हारे दुख दर्द खत्म नहीं लेकिन कम जरूर होते हैं, और इसलिए मैं तुम्हें बार बार शिरडी बुलाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे कर्म काटता चला जाऊँ और वह धीरे धीरे मेरी धुनी में भस्म हो जाए, और इसके बाद तुम एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी जी सको। तो बताओ कब आ रहे हो शिरडी मेरे पास, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। कल जो होना है वह होकर ही रहेगा, तुम आज उसके बारे में फैसला नहीं ले सकते, इसलिए इतनी चिंता करना बंद करो और बस विश्वास रखो। विश्वास इस बात का कि मेरे बाबा हैं और वह सब ठीक करेंगे। मैं तुमसे सिर्फ श्रद्धा और सबूरी चाहता हूँ, मैं सब संभाल रहा हूँ। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ।